वेलकम टू मम्मीज किचन। आज हम चिकन वाला पास्ता बना रहे हैं, थोड़े वेजिटेबल सब्जियां डाल के। ये देखो, ये एक पाव चिकन है, कटिंग करके लाया है। इसको हम थोड़ा मसाले वगैरह मिला के मैरिनेट करके रख लेते हैं आधा एक घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ठीक है। ये आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है मैंने। ये मिर्ची है, ये जो घर पे लाल मिर्ची होगी ग्रीन उसकी सब वही मिर्ची है, यही डालना था मुझे। ये मैंने चुन चुन के लिया है लाल मिर्चियों में से, ग्रीन मिर्चियों में से लाल मिर्ची, इसको थोड़ा दरदरा पीस लिया है, ठीक है। नमक डाल लो स्वाद अनुसार, नमक डाल लेती हूँ। थोड़ा धनिया पाउडर डाल लो, थोड़ा गरम मसाला आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला डाल लिया मैंने। हल्दी थोड़ी सी डाल लेना, पाव चम्मच इतनी, ठीक है। काली मिरी है, ब्लैक पेपर, ठीक है। और थोड़ा सा हम डाल लेते हैं इसमें भुना हुआ जीरे का पाउडर, ठीक है। ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है, ये आधा चम्मच डाल लेती हूँ। अभी इसको हम कर देते हैं मिक्स करके हम इसको अच्छे से रख देते हैं आधा एक घंटा मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ मैं। जब इसको पास्ता तैयार हो, जब भी पास्ता बनाने निकालूंगी मैं, फिर दिखाती हूँ आपको ये, ठीक है। आज पास्ता बनने वाला है हमारे घर में चिकन पास्ता, क्योंकि मैंने सादा बनाया था, बच्चों को पसंद आया तो फिर बोला चलो चिकन का भी बना लो, क्योंकि पता है बच्चों का आपको, ठीक है। सोया सॉस डालने वाली हूँ, देखो सोया सॉस डाल देती हूँ थोड़ा सा, इतना आधा एक चम्मच समझ लो, ठीक है। ये पास्ता के लिए है, इसमें सोया सॉस भी डाल दिया मैंने, सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको अभी हम आधा एक घंटे के लिए, बिल्कुल आधा एक घंटा मैं इसको अभी रख दूंगी फ्रिज में ढक के, ठीक है। चलो जब तक चिकन में एकदम टेस्ट आ जाएगा, एकदम पास्ता अपना एक नंबर बनेगा। चलो इसको मैं रख देती हूँ। अभी चिकन मैरिनेट हो गया है, देखो अभी हम पानी रख दिया है बॉईल को, और उसमें हम डाल लेते हैं पास्ता। चलो आओ देखो पास्ता है, देखो आधा ये ले लिया है और थोड़ा सा ये ले लिया, ये दो हिस्सा है और एक हिस्सा है, ये एक पाव है, फिर उसमें से एक पाव में से ये आधा है, ठीक है। ये पास्ता है, आ जाओ मैं तेल डालती हूँ, गर्म पानी रख दिया है, तेल और नमक दोनों इसमें डालती हूँ, ठीक है। ये दो चम्मच तेल डाल लिया है मैंने इसमें, ठीक है, ये दो चम्मच तेल डाल दिया। नमक थोड़ा ही डालती हूँ हिसाब से अभी, फिर बाद में और डालते हैं। नमक डाल दिया मैंने अंदाज से इतने पास्ते के हिसाब से, ठीक है। ये देखो इतना पास्ता है, पानी गर्म हो गया है अच्छे से, अभी मैं डाल देती हूँ पास्ता। इसे खुले बर्तन में ही डालना, और ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा बोलते ना 100% नहीं बनाना है अपने को, थोड़ा 80-85 तक के पकाना है। मतलब थोड़ा सा वो जैसे बिरयानी के लिए चावल थोड़ा कच्चा निकालते हैं, वैसा इनको भी थोड़ा सा कच्चा निकाल लेना, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ देती हूँ ढक के 5 मिनट के लिए, ठीक है। चलो ढक्कन रखती हूँ, थोड़ा बॉयल होने दो। चलो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, ये पास्ता होने तक थोड़ा हम मसाला भून लेते हैं इसका, पास्ते का, सब्जियाँ वगैरह थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल लो अंदाज से, 1-2 चम्मच ऐसे अंदाज से डाल रही हूँ मैं, ठीक है। 2-2.5 चम्मच तेल हो गया है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बन रहा है वो पास्ता चिकन वाला, इसीलिए मैंने 2 चम्मच से जास्ती तेल डाल लिया है, ठीक है। देखो आप भी अपने हिसाब से अंदाज से डाल लेना, क्योंकि लेडीज़ को जजमेंट तो होता ही है खाना बनाने का। चलो मैं 1/2 चम्मच जीरा डाल लेती हूँ इसमें, ठीक है। जीरा डाल दिया है मैंने इसमें, तेल हो गया है गरम। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लो, मैंने बड़ा प्याज काट के रखा है, देखो ये प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बड़ा एक गाजर ले लिया, एक फल भी है, और ये थोड़ा सा वो कोथिंबीर की डंडी है,
एकदम जो कौली डंडी होती है वो ले लेना, अगर सख्त है तो नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत टेस्ट देता है, क्योंकि शेजवान चटनी वगैरह में डालते तो बहुत टेस्ट आता है। इसके लिए थोड़ा सा कोतंबीर की जो गाड़ी डंडी थोड़ी सी नाजुक सी होती है कौली वो है ये, ठीक है। बड़ा प्याज ले लिया है, बहुत बड़ा प्याज, अच्छा इतना बड़ा प्याज था एक ही ले लिया बड़ा वाला, अगर छोटे है तो दो ले लेना, आप अपने हिसाब से जितना बनाओगे उसके हिसाब से बना लेना। ये शिमला मिर्च है 3, आज पत्ता गोभी नहीं डालूंगी, ठीक है, पत्ता गोभी बहुत अच्छी पानी छोड़ती है तो उसमें नहीं डालूंगी आज मैं, आज चिकन वाला है तो आज चिकन का बनाते हैं। और एक गाजर है, एक बड़ा वाला गाजर है, ठीक है। अब इसमें डाल लेते हैं प्याज, और एक टमाटर भी रखा है बड़ा टमाटर काट के। हम पहले सब्जियां भून लेते हैं फिर टमाटर तो लास्ट में डालते हैं हम, क्योंकि टमाटर छोड़ता है पानी। यहाँ पास्ता भी हो रहा है, देखो हो गया है पास्ता भी, इसीलिए मैंने सोचा सबका क्या बना लेते हैं हम। पास्ते का गैस मैंने बंद कर दिया है क्योंकि उसमें से पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो कच्चा ही है, उसमें थोड़ा हो जाएगा, मैं जब तक मसाले भूनती हूँ उसको रहने दो उसी में, क्योंकि 80% बोलते हैं ना, वो जब तक हो जाएगा थोड़ा गर्म पानी में, ठीक है। इसको हम भून लेते हैं अच्छे से, कांदा ज़्यादा लाल नहीं करना है। हम इसमें डाल लेते हैं अभी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। ये देखो ये चम्मच भर के डाल लेती हूँ, थोड़ा आधा चम्मच और डाल लेती हूँ, क्योंकि पास्ता ज़्यादा है, मैंने उसमें भी मिला के रखा हुआ है, चिकन में भी डाला हुआ है, चिकन में तो तीखी मिर्ची भी डाला है मैंने लाल कूट के। आज अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, इसमें हम डाल लेते हैं ये गाजर, गाजर डाल लेते हैं क्योंकि गाजर थोड़ा सा वो रहता है ना, इसीलिए थोड़ा सा गाजर डाल लेते हैं सब्जियों को, ये होता है। सारी सब्जियां मैं डाल लेती हूँ अभी, ये फर्ज भी है, शिमला मिर्च है, आज तो पहले सब्जियां लिया है मैंने, ये मिर्ची है, 2 हरी मिर्ची काट के रखा है, ऐसी डाल लो ऊपर से। अरे कोतंबीर की डंडी है, ये अच्छी लगती है जब डाल दो तो, इसमें थोड़ा सा थोड़ा अलग अलग ट्राई करना चाहिए, मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ अलग अलग डालें जिसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आए, ठीक है। अभी इनको गलने के बाद ही हम चिकन मिलाएंगे, क्योंकि चिकन बहुत मैरिनेट हो चुका है। चिकन को 1 घंटा हो गया है रख के, इसलिए सोचा पहले थोड़ा सा इनको कर लेते हैं, क्योंकि चिकन ज़्यादा ना गल जाए, क्योंकि बारीक बारीक पीस कटे हुए हैं वो, ठीक है। इसमें डाल लेते हैं नमक, ताकि सब्जियों को थोड़ा नमक मिल जाए, लग जाए अच्छे से, नमक डाल लेते हैं, थोड़ा ही डाल लेते हैं क्योंकि हमने पास्ता में भी डाला है नमक, चिकन में भी नमक है, इसमें इसके हिसाब से डाल लेते हैं सब्जियों के, ठीक है। पास्ता हो गया है, अभी मैं पानी से निकाल देती हूँ और इसको ठंडे पानी से निकाल के रख देती हूँ, तब तक मसाला अपना भूनने दो थोड़ा। चलो पास्ता हो गया है, हम इसमें निकाल लेते हैं छलनी में थोड़ा, देखो इसमें रख लेती हूँ मैं, ठंडा पानी डालती हूँ, पानी डाल लेते हैं ठंडा पानी से, थोड़ा ये कर लेते हैं इसको, क्योंकि हो गया है देखो परफेक्ट हुआ है, इतना ही चाहिए अपने को, ऐसे खिले खिले ही चाहिए, ठीक है। देखो पानी निथार लेना अच्छे से, ऐसे पानी कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसमें हम डाल लेते हैं टमाटर, ये 2 टमाटर काट के रखा है मैंने अच्छे से, देखो बारीक काट के रख लिया आज, जब भी मैंने डाला था उसका पानी निकाल दिया था, नहीं आज चिकन है इसीलिए आज मैंने अच्छे से आपका टमाटर ऐसे काट के डाल दिया है, ठीक है। तेज गैस में बना लेते हैं इसको, थोड़ी सब्जियों को
चिकन डाल देंगे अभी। यह देखो चिकन मैंने एक घंटा हो गया है, लड़की ट्यूशन चले गई थी तो मैंने रख दिया, मैं बोली आती है तो बनाते हैं, अभी चिकन डाल लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ट्राई करते रहती हूँ, बच्चों का भी बहाना हो जाता है, फिर हमको भी कुछ थोड़ा सा सीखने को मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं बोली आज अलग से बनाते हैं तू। इसके पहले मैंने बनाया था सिंपल सा पास्ता था, चिकन में मैंने डाल दिया था, ये जीरा पाउडर डाल देती हूँ अभी, आधा चम्मच जीरा भी डाला है और चिकन में भी मैंने मैरिनेट के लिए किया था तभी भी डाला है, अभी एक चम्मच जीरा डाल लेती हूँ मैं, और आधा चम्मच काली मिर्च डाल लेते हैं क्योंकि वो मिर्ची भी डाला हुआ है, तीखी वाली मिर्ची और ग्रीन मिर्ची भी दो ऐसे चीर लगा के डाल दिया है, अभी काली मिर्च और डाल देती हूँ क्योंकि काली मिर्च मैंने पहले भी डाला हुआ था चिकन में। ठीक है, जब अच्छे से मुँह को कुछ स्वाद वाला खाना है ना तो मैं थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो इसीलिए मुझे तो कंटाल आता नहीं है, मैं तो बनाती हूँ, मुझे बहुत शौक है, इसीलिए तो मेरी बेटी ने लगवा दिया मुझे ये ड्यूटी पे, यूट्यूब पे मम्मी चालू कर लो बहुत अच्छा बनाते हो, तो मैंने भी ऐसे कर लिया चालू, मुझे भी ऐसा बहुत पसंद आ रहा है, अभी मुझे बनाने का कंटाल आता नहीं है, बस उसके एग्ज़ाम की वजह से मैंने कुछ ज़्यादा अभी बनाया नहीं है। ठीक है, अभी हम डाल लेते हैं इसमें पास्ता मसाला थोड़ा सा, आज इसमें मैं दो पैकेट डाल दूँगी क्योंकि आज ज़्यादा पास्ता बना रही हूँ मैं, आज हम सब खाने वाले हैं फैमिली में, जब भी मैंने बनाया था थोड़ा मेरी बेटी और हम दोनों ने ही खाया हुआ था, आज इसके पापा को भी बोला पास्ता खाओ आज जल्दी आ गए हैं, तो आज दो पैकेट डाल लेती हूँ मैं। ठीक है, आपके यहाँ जो मिलता है आप डाल देना, बहुत टेस्टी बनता है ये पास्ता। अभी हम डाल लेते हैं पास्ता क्योंकि चिकन भी हो ही गया है, मैरिनेट कब से करके रखा था मैंने उसको डाल के, आज इसमें हम घर के मसाले कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी मैं इसमें और कुछ नहीं डालूंगी। ठीक है, एक चम्मच थोड़ा गरम मसाला घर का डाल देती हूँ, गरम मसाला ही डालूंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वाद आ जाएगा गरम मसाले से। देखो पास्ता अच्छे से बन गया है क्योंकि फिर हमको भी खाना भी बना के खाना है, दूसरा जो खाना भी बनेगा मेरा भी है, तो ऐसी नाश्ते के हिसाब से मैंने बना लिया है इतना। अब इसमें हम डाल देते हैं कोतम्बीर, कोरिएंडर, आप समझ जाना मेरी भाषा क्योंकि मैं इंग्लिश सीखी भी नहीं हूँ। नहीं, वो भी बोलना आता है ना? हाँ आता है, जो जो आता है मेरी बेटी बोल देगी। चलो अभी मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ ताकि ये अच्छे से थोड़ा दम हो जाए। चलो पास्ता हो गया है रेडी, मेहमान भी आ चुके हैं, इसमें नहीं है जो बच्चों को खाना था पास्ता, वो बच्चे भी आ गए हैं। ठीक है, देखो हो गया है, गैस बंद कर देती हूँ मैं, हो गया है रेडी। चलो अभी परोस के दिखाती हूँ। ओके चलो, चलो बन गया है, बच्चे आ गए हैं, देती हूँ मैं। चलो।